हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश खंदारे, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और 4000 घंटे से भी ज़्यादा वॉच टाइम हुआ है और जल्दी मेरा चैनल अभी मोनिटाइज होगा। आज जो पिछले 10 महीने से मैं इस चैनल की ग्रोथ के लिए मेहनत ले रहा था, आज लगता है वो सफल हो गई है और मैं आज बहुत ही खुश हूँ। बहुत बहुत जल्दी आपको मैं मोनिटाइज होने की खबर भी सुनाऊंगा। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं प्रकाश खंदारे। इस ऑडियो बुक के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है प्रकाश खंदारे 77। प्रगति सूत्र, संपूर्ण दस्तावेज आपकी सफलता के लिए, जिसे लिखा है संजय जैन महागुरु जी और नरसिंह ग्रेवाल महागुरु जी ने, जिसका हम पार्ट 14 देखेंगे, जो आखिरी पार्ट है। किताबें, बुक्स, अपलाइन रोल, क्या करें क्या न करें, पढ़ने में रुचि ले, आप न पढ़े दूसरा पढ़े, ये कैसे संभव है, कथनी और करने में फर्क न होने दे, पढ़ पढ़ कर अपना विकास करते रहे। इन किताबों को पढ़ने से आप में अंदर से बदलाव आएगा। ध्यान रखें, आप में परिपक्वता किताबों को पढ़ने से ही आने वाली है। किताबों को पढ़ने से आपकी हर बार समझ और बढ़ेगी। हर बार आप श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ होते चले जाएंगे। किताबों के पढ़ने से आपका हौसला और प्रभाव बढ़ेगा। आपका जीवन, आपके विचार, आपका माहौल, सब कुछ सकारात्मक हो जाएगा। रिकमेंडेड किताबों को पढ़ने की आदत डालें। किसी सफल लेखक का पूरे जीवन का ज्ञान आप कुछ ही समय में हासिल कर सकते हो। पढ़ने की आदत आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकती है, कल्पना तो करके देखें। जब कभी आप डाउनलाइन से मिले, आप अपनी पसंद की किताब को अवश्य ही प्रमोट करें, उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करें। प्रेरणा देना और भी आसान हो जाएगा। यदि आप किताब में लिखित उन बातों का जिक्र भी करें जिन बातों ने आपको प्रभावित किया है। जो किताब आपने न पढ़ी हो डाउनलाइन को प्रमोट न करें। आपको शर्मिंदा होना पड़ सकता है। कुछ लोग किताब के अंदर की बातों को जानने की इच्छा कर सकते हैं। सावधान रहे, शर्मिंदा होने से बचें। डाउनलाइन को सिर्फ किताब का नाम लेकर प्रमोट न करें, बल्कि अपनी प्रति दिखाकर प्रमोट करें। सबसे कारगर प्रमोशन तभी होता है। किताबें, बुक्स, डाउनलाइन रोल, क्या करें क्या न करें, रिकमेंडेड किताबें के बारे में जानकारी लेते रहे। इस प्रणाली की रिकमेंडेड किताबें कौन कौन सी है पता करें। कोई भी अपने मन से किताब खरीद कर उसे पढ़ने में अपना धन, समय व ऊर्जा बर्बाद न करें। जब आप जिस लेवल पर है तब उसी लेवल की किताब पढ़े हमेशा अच्छा होगा। इस बारे में अपनी अपलाइन से मार्गदर्शन लेते रहे। बुक ऑफ द मंथ प्रोग्राम से जुड़े। मंथली प्रोग्राम के साथ साथ पढ़ते रहे। इससे आपकी अपलाइन और आपकी डाउनलाइन वैचारिक रूप से एक ही स्तर पर बने रहेंगे। बुक ऑफ द मंथ में जुड़ने से अपने ग्रुप के लोगों की गोष्ठी भी आयोजित कर सकते हैं। किताबें मांग कर नहीं खरीद कर पढ़े। किताब पढ़ने की अच्छी आदत डालें। आपकी दिमागी दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। आपको कामयाबी दिलाने के लिए जरूरी जोश, सकारात्मक नजरिया, उत्साह, ज्ञान, टिप्स, तरीके, मार्गदर्शन और तकनीकें सभी कुछ आपके इन्हीं किताबों से मिलने वाले हैं। वेबसाइट, आज के इस युग में वेबसाइट हमारे इस व्यवसाय के लिए एक वरदान है, जिसका इस्तेमाल करके हम उन लोगों की मदद अच्छी तरह से कर सकते हैं जो आपकी पहुंच से दूर है और आप उन्हीं की पहुंच से दूर है। जो दूर दराज के इलाकों, दूसरे शहरों में कार्य कर रहे हैं, उन्हें प्रणाली की वेबसाइट के माध्यम से इस व्यवसाय की हर जानकारी 24 घंटे 365 दिन मिल सकती है। इसका फायदा लेना सीखे। अपलाइन रोल, क्या करें क्या न करें, वेबसाइट को हमेशा विजिट करते रहे, जानकारी जुटाते रहे, हमेशा अपडेट रहे।
वेबसाइट का उपयोग समझें और अपने डाउनलाइन को भी वेबसाइट के महत्व को समझाएं। वेबसाइट पर मौजूद कुछ महत्वपूर्ण बातें जो इस तरह से है जो इस तरह से है स्वयं जाने और अपने डाउनलाइन को बताएं। प्रणाली में चलने वाली बुक ऑफ द मंथ प्रोग्राम में मौजूदा महीने की किताब कौन सी है वेबसाइट से पता की जा सकती है। अब हम डायरेक्ट वेबसाइट पर ऑनलाइन टूल्स का ऑर्डर कर सकते हैं और घर पर टूल की डिलीवरी ले सकते हैं। आपके द्वारा ऑर्डर का भुगतान करना भी बहुत आसान हो गया है जो इस तरह से है। सक्सेस फॉरवर के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट कैश जमा करके डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड से तथा इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का इस्तेमाल करके ऊपर लिखित किसी भी माध्यम से स्टूल का भुगतान किया जा सकता है। इसलिए व्यवसाय में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स एफिडेविट फॉर्म CEP आवेदन प्लान और ट्रेनिंग की स्लाइड्स वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है। इसके अलावा भविष्य में भी लगातार कुछ न कुछ और बेहतर प्रयास होते ही रहते हैं। वेबसाइट विजिट करते रहे और जानकारी लेते रहे। डाउनलाइन रोल क्या करे क्या न करे, जब समय मिले वेबसाइट विजिट करे, अपने आप को अपडेट करे। वेबसाइट से संबंधित कोई समस्या हो तो अपलाइन से संपर्क करके निराकरण करे। यदि कंप्यूटर चलाने की जानकारी न हो तो सीखे, सीखना आसान है। किसी अपलाइन पर बिना वजह बोझ न बने, आत्मनिर्भर बने। स्वयं वेबसाइट पर जाए, अपलाइन से बार बार सिखाने का आग्रह करके सीख ही डाले। वेबसाइट से जानकारी ले और नीचे अपने ग्रुप में बांटे। कमियां न गिनाए, खूबियां गिनाए। होने और नहीं होने के अंतर को महसूस करें। आप अपने और अपने टीम के टूल्स के ऑर्डर स्वयं करें। डाउनलाइन को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। स्वयं भी आत्मनिर्भर बने, दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनाएं। स्वयं की तथा अपने ग्रुप की जिम्मेदारी लें। आप सब कुछ कर सकते हैं, करके तो देखें, आप अवश्य सफल होंगे। प्रणाली सपोर्ट सिस्टम अपलाइन रोल क्या करे क्या न करे, प्रणाली के महत्व को समझे और अपने ग्रुप को समझाए। प्रणाली में होने वाली सभी गतिविधियां जैसे प्लान, सेमिनार, फंक्शन, ग्रुप मीटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। प्रणाली में निष्ठा बनाए रखे। प्रणाली में निर्देशित सिद्धांतों और आचार संहिता में विश्वास रखे। शंका न करे। प्रणाली के प्रति पक्का, जितना विश्वास पक्का होगा आपकी सफलता के अवसर उतने ही पक्के होंगे। प्रणाली और आपके ग्रुप के बीच आपका रोल प्रणाली में निर्देशित बातों का पालन करना और नीचे डाउनलाइन में इसकी जानकारी भर देना है। प्रणाली में निर्धारित कार्यों, सिद्धांतों और आचार संहिता में कोई बदलाव आपकी तरफ से न करे, न तो कुछ जोड़े और न ही कुछ कम करे। जैसा है वैसा रहने दे और वैसा ही आगे बताए। इसी में आपकी सफलता छुपी है। प्रणाली और आपके ग्रुप के बीच आपका काम पुल की तरह काम करना है। एक ऐसा पुल जिस पर चलकर लोग सीधे प्रणाली से जुड़े। प्रणाली में निर्देशित बातों का ईमानदारी और कड़ाई से पालन करें और ग्रुप में कराएं। उसमें छेड़छाड़ न करें। ध्यान रखें कि आप भी एक प्रणाली का हिस्सा है। डाउनलाइन रोल क्या करें क्या न करें, प्रणाली में पूर्ण आस्था रखें, शंका न करें। प्रणाली की बुराई करने में समय खराब न करें। कमियों पर नहीं इसमें निहित खूबियों पर ध्यान दें। प्रणाली में निर्देशित सभी कार्य करें और अपने ग्रुप में इन्हें करने के लिए प्रेरित करें। रुचि और इच्छा पर आधारित न हो। 100% हर कीमत पर प्रणाली में आस्था रखें। प्रणाली का सम्मान करें। प्रणाली द्वारा दी गई जिम्मेदारी को किसी भी कीमत पर निभाएं। ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति प्रणाली से बड़ा नहीं है। आपका व्यवसाय इस प्रणाली पर ही टिका है। जरा इस प्रणाली को हटाकर काम करके तो देखें, शायद कल्पना करना भी मुश्किल है। प्रणाली में निर्देशित सभी बातों,
तरीकों, सिद्धांतों, कार्यप्रणाली और आचार संहिता को जैसा है वैसा ही स्वीकार करें। अपनी तरफ से उसमें न कुछ जोड़ना है न ही इसमें से कुछ हटाना है। जैसा है वैसा ही रहने दें। जब तक आवश्यक न हो अपलाइन से ऊपर दूसरी अपलाइन के पास न जाए। जब आप अपनी अपलाइन को छोड़कर ऊपर की तरफ संपर्क करते हैं तो आपके ग्रुप लीडर भी ऐसा ही होल्ड करने लगते हैं और काम करना मुश्किल होता है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके नीचे भी लोग ऐसा ही करेंगे। यह एक विडंबना है कि सभी लोग सबसे ऊपर की अपलाइन से जुड़ना चाहते हैं। ऐसा न करें। अपने LOS लाइन ऑफ स्पॉन्सर में रहकर ही काम करें। अपनी डाउनलाइन से शिकायत के लिए नहीं बल्कि तरक्की के लिए परामर्श के लिए संपर्क करें। स्पॉन्सर क्या करें क्या न करें। इस व्यवसाय से जुड़ते ही आपको अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोगों को स्पॉन्सर करना होता है, जिन्हें आप इस व्यवसाय में स्पॉन्सर करते हैं। वे आपके पूर्व परिचित, मित्र, पड़ोसी, सहकर्मी या रिश्तेदार हो सकते हैं। जरूरी नहीं है जिन्हें आपने स्पॉन्सर किया है वे आगे भी काम करें ही। अंततः इस व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए तब तक स्पॉन्सर करते रहना पड़ता है जब तक आपको उचित कर्मठ लोग न मिल जाए। जब आप स्पॉन्सरिंग के लिए लोगों से संपर्क करें तो यह अवश्य ध्यान रखें, सीखें, फिर से समझें, फिर स्पॉन्सर करें। पहले स्वयं संतुष्ट हो तभी स्पॉन्सर करें। जल्दबाजी न करें। गिर पड़कर औने पौने में प्रमोशन न करें, प्रमोट न करें। तथ्यों और आंकड़ों को बड़ा चढ़ाकर कभी प्रस्तुत न करें। उनके इस व्यवसाय से जुड़ने पर उन्हें क्या लाभ होगा इसे बताएं, ना कि आपको क्या लाभ होगा इसे बताएं। ऐसा कभी न कहे कि आपको तो सिर्फ इसे जुड़ना है और बगैर काम किए उन्हें पैसे मिलेंगे। सिर्फ लोग जुड़ जाए और आप उनके लिए काम करेंगे ऐसा कभी न कहे। इस व्यवसाय में सफलता टीम भावना पर आधारित है। सीधी सीधी बात करें, झूठे वादे न करें, किसी के भी प्रोडक्ट के पैसे न दें। समझाए कि आपकी रुचि उनमें ज़्यादा है, उनके पैसे में कम। आपकी सफलता के लिए न तो कोई आपकी गारंटी दे सकता है न कि आप किसी की गारंटी दें। कभी भी किसी व्यक्ति के ज्वाइनिंग के पैसे कैश में न लें। यदि किसी वजह से बहुत आवश्यक है तो तुरंत ड्राफ्ट बनाकर कंपनी भिजवा दें। किसी व्यक्ति के ज्वाइनिंग के पैसे को अनावश्यक रूप से अपने पास रखना, पैसे में गफलत करना या ज़्यादा दिनों तक तो घुमाते रहना अपराध है। ऐसा कभी न करें। पैसे के लेन देन में हेर फेर करना आपकी सबसे बड़ी भूल है और असफलता है। आपकी तरक्की के सारे रास्ते धीरे धीरे बंद होते जाएंगे। सावधान रहे। प्रेजेंटर, स्पीकर, अपना रोल समझें। जब आप इस व्यवसाय से जुड़ते हैं आपको एक और रोल निभाना पड़ता है जिसे हम प्रेजेंटर कहते हैं। जब आप प्रणाली के प्लेटफॉर्म से दूसरे को प्लान दिखाते हैं, ग्रुप मीटिंग करते हैं, साप्ताहिक NAO कर लेते हैं, तब आप असल में प्रेजेंटर के रोल को अदा कर रहे होते हो। क्या करें क्या न करें। याद रखें, जब आप प्रेजेंटर यानी स्पीकर के रूप में लोगों के सामने होते हैं तो आप कंपनी और प्रणाली का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। कंपनी और प्रणाली की छवि आपके व्यवहार और कार्यशैली से जुड़ी है। हमेशा स्पष्ट करें, आप जो बता रहे हैं वह आपका अपना नहीं है। आप तो सिर्फ जो कुछ प्रणाली से दिशा निर्देश मिले हैं उसे बता रहे हैं। तथ्यों और आंकड़ों को कभी भी बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत न करें। अंदाजे में बात न करें। पुख्ता जानकारी लेकर ही प्रेजेंटेशन बनाएं। वेशभूषा का अवश्य ध्यान रखें। माहौल और समय के हिसाब से वेशभूषा पहने। ध्यान रखें, जब आप प्रेजेंट
प्रेजेंटेशन देते हैं तब सभी का ध्यान सबसे ज़्यादा आप पर ही होता है। सच्चे उत्साह से भरे रहे, एक सुंदर सी हंसी के साथ, कम से कम समय में सही बात बोले, सही भाषा का प्रयोग करें। कभी श्रोताओं को उंगली दिखाकर बात न करें, श्रोता को नीचा न दिखाए, लोगों का सम्मान करें। श्रोता के बीच पूरी तैयारी से जाए, तथ्यों और आंकड़ों के माध्यम से बात करें। कभी किसी क्रॉस लाइन लीडर के साथ गलत तरीके से स्पेश न आए, ईर्ष्या न करें, नीचा न दिखाए। लोग आपकी हरकतों को ही देखते हैं और आप ही बुरा बनेंगे। स्टेज से किसी अपलाइन कंपनी क्रॉस लाइन लीडर के बारे में नकारात्मक न बोले। कई बार कुछ लीडर इशारों ही इशारों में बहुत कुछ क्रॉस लाइन अपलाइन के बारे में नेगेटिव कटाक्ष कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। जब आप स्टेज से कुछ कह रहे होते हैं तब आप प्रणाली से के सफल कर्मठ और एक अति विश्वसनीय लीडर के रूप में सभी आपको देख रहे होते हैं। आपके मुंह से निकले शब्द ब्रह्म वाक्य की तरह होते हैं। बहुत जिम्मेदारी से अपनी बात कहें। आपकी एक बात लोगों का जीवन बदल सकती है तो एक नकारात्मक बात आपको विवादों में घेर सकती है। हमेशा विवादों से बचे रहे। सफलता के लिए विवेक का भी इस्तेमाल करें। जैसा कि आप जानते हैं कि नेटवर्किंग व्यवसाय लोगों के द्वारा टीम भावना के साथ काम करने का व्यवसाय है। जब आप अकेले होते हैं काम करना आसान होता है, लेकिन जैसे जैसे आपका ग्रुप टीम बढ़ती जाती है समस्या भी बढ़ना शुरू हो जाती है। हमारी हर गतिविधि लोगों के साथ और लोगों के आसपास ही होती है। प्रणाली सभी के उत्थान के लिए समान रूप से कार्य करती है, लेकिन व्यक्तिगत कमियों, अपलाइन डाउनलाइन के बीच सामंजस्य का अभाव, रिश्तों में मनमुटाव भी कई बार आ जाते हैं। लेकिन ज़रा सोचें, आप और आपकी अपलाइन के बीच यदि एक बार रिश्ते में दरार आ जाए तो आप बगैर ऊपर के सपोर्ट के कैसे बड़ा काम कर पाएंगे। अक्सर अपलाइन और डाउनलाइन के बीच गलत फहमी हो सकती है। जब इस तरह की स्थिति बनती है तो काम करना मुश्किल हो जाता है। आपका नेटवर्क छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ता जाता है। प्रणाली और अपलाइन पर से भरोसा टूटने लगता है और आपका काम बंद होने के कगार पर भी पहुंच सकता है। कई बार तो ऐसी स्थिति छोटी छोटी बातों से ही शुरू हो जाती है। कोई भी प्रणाली कितनी भी सशक्त क्यों न हो, व्यक्तिगत स्वार्थ के आगे बौनी हो जाती है। कोई भी प्रणाली तब तक आपको सफलता नहीं दिला सकती जब तक आप व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर साहस, विवेक, आत्मविश्वास, एक निष्ठा आदि गुणों का अपने आप में विकास नहीं करते। कुछ विषम स्थिति परिस्थिति जिनमें आप जब फंस जाते हैं आपको कोई उत्तर देने वाला नहीं होता, तब जब आपका अपनी डाउनलाइन या अपलाइन के व्यवहार, कार्यप्रणाली या बातों से ठेस लगे और आप अवाक रह जाए और कुछ न सूझे, ऐसी परिस्थिति बने जब आप सोचे कि आपने तो ऐसा कभी सोचा भी न था कि ऐसा भी होगा। बस एक बात याद रखें, रास्ता लंबा है, रुके नहीं, चलते रहे, विवादों से बचे और चलते रहे। जब विषम परिस्थिति बने तो निराश न हो, बस चलते रहे। नीचे कुछ परिस्थितियां दी जा रही है, आप स्वयं निर्णय करें। इन परिस्थितियों में आप करेंगे आप स्वयं निर्णय करें इन परिस्थितियों में आप क्या करेंगे। आपने विवेक का इस्तेमाल करें और स्वयं निर्णय लें क्या करना बेहतर होगा। पहला, जब किसी अपलाइन से बार बार संपर्क करने पर बार बार यह उत्तर मिले, मुझे नहीं मालूम, मुझे क्या पता, देखते हैं, करते हैं या बताते हैं। दूसरा, बार बार संपर्क करने पर भी फोन न उठाए और ना ही किसी भी आंसर करे। तीसरा समस्याओं को घंटों फिर सुनने में भी रुचि रखे, लेकिन कभी समाधान न बताए। चौथा, जो बार बार अपने सम्मान की मांग करे और बार बार उसे अपनी हैसियत बताए। पांचवा, जिसकी कथनी और करनी में अंतर हो, जैसे कहता हो किताब पढ़ो और स्वयं न पढ़े, कहता है प्लान लेना अच्छा और स्वयं न ले, सीडी सुनना अच्छा पर स्वयं न सुने,
या समय पर आना अच्छा और स्वयं लेट आए। जब स्थिति आपके बस में न हो और स्थिति सुधारने का कोई रास्ता न हो तो किसी बात का बुरा न माने। सोचे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो आगे बढ़ना है और आगे बढ़ जाए। किसी से संबंध न बिगाड़े, न अपलाइन से और ना ही डाउनलाइन से, बस इनके इस व्यवहार को समझ ले और परिस्थिति से सीखे कि आप दूसरों के साथ ऐसा न करें। सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी मन में बैर न रखें। ऐसा भी होता है, ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, मानकर आगे बढ़ जाए लेकिन अपलाइन या डाउनलाइन से संबंध न बिगाड़े। अपलाइन को सुधार कर ही दम लेंगे ऐसी प्रतिज्ञा न करें, निराशा ही हाथ लगेगी। अपलाइन जैसी है वैसे ही रहने दे, स्वयं में सुधार करें। अपलाइन और डाउनलाइन की कमजोरी मालूम होने के बावजूद भी चुप रहना और सम्मान करना सीखे। आप एक बात हमेशा याद रखें, इस व्यवसाय में आप कितनी भी डाउनलाइन ढूंढ ढूंढ कर ला सकते हैं लेकिन अपलाइन तो सीमित ही रहेगी। अपलाइन जैसी भी है आपकी किस्मत और ईश्वर की मर्जी से ही है। जैसी है स्वीकार करें, सम्मान करें। जब काम करते समय आपके साथ उपरोक्त स्थिति बने तो साहस से काम ले और आगे बढ़ने के लिए ऐसा ही करें। बड़ी सफलता के लिए बड़ा संगठन जरूरी है। बड़ा संगठन कैसे बनाएं? नेटवर्किंग व्यवसाय परस्पर सहयोग से सभी की गुणोत्तरी वृद्धि की अवधारणा पर आधारित है। आपके नीचे काम करने वाले लोगों का संगठन जितना बड़ा और मजबूत होगा उतनी ही निरंतर और स्थायी सफलता के आप हकदार होंगे। आपके पास कितना भी पैसा या गुण क्यों न हो, आप तब तक बड़ा संगठन नहीं बना सकते जब तक आपके पास आपके लोगों के लिए कोई ठोस और आदर्श प्रणाली न हो। याद रखिए, कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी प्रणाली से बड़ा नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति की अपनी कुछ सीमाएं होती है। आपके नेटवर्क संगठन से जुड़ने के बाद लोगों को निम्नलिखित आधारभूत जरूरतें पूरी करनी होती है जो इस तरह से है। पहला, सभी नए जुड़ने वाले लोगों को सहायता प्रदान करना जिनकी संख्या हर बार बढ़ती जानी है। दूसरा, उनको लगातार शिक्षित करते रहने की व्यवस्था। तीसरा, कॉमन प्लेटफॉर्म जहां पर आपके लोग इकट्ठा हो सके, प्लान ट्रेनिंग और दूसरी गतिविधियों को किया जा सके। चौथा, लोगों को प्रणाली से जुड़ना और प्रणाली के नियम से बंधना संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। पांचवा, लोगों के व्यवसाय का उचित प्रबंधन। छठा, ताज़ा जानकारियों को लोगों को बांटने की व्यवस्था। सातवा, जुड़े लोगों और कंपनियों के बीच परस्पर संयोग बनाना। आठवा, लोगों को उनके अच्छे काम के लिए सम्मानित करना। नौवा, समय समय पर लोगों के उत्थान के लिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग, रिकग्निशन समारोह, प्लान प्रस्तुतिकरण, ग्रुप मीटिंग आदि के लिए मार्गदर्शन देना और आयोजित करना। दसवां, व्यवसाय के लिए उचित सामग्री प्रदान करना। उपरोक्त कुछ मुख्य बातें हैं जिन्हें एक बड़े संगठन बनाने के लिए आवश्यक रूप से करना होता है। अब आप देखिए कि क्या कोई व्यक्ति विशेष उपरोक्त बातों को सफलतापूर्वक संचालित कर सकता है? शायद कभी नहीं। लेकिन बड़ा संगठन बनाने के लिए आपके पास एक ठोस और आदर्श प्रणाली होनी चाहिए जिससे जुड़कर आप एक सशक्त नेटवर्क संगठन बना सके। आदर्श अपलाइन। जब आप किसी की अपलाइन होते हैं तब आपकी जिम्मेदारी असाधारण रूप से बहुत बढ़ जाती है। आपके सभी डाउनलाइन की नज़र और अपेक्षा आप ही पर होती है। किस तरह आप जुड़े हुए लोगों की मदद करते हैं, उनके लक्ष्य बनाते हैं और उन्हें समय समय पर सही मार्गदर्शन देते हैं, इसी बात पर आपकी सफलता या असफलता टिकी है। याद रखें, सिर्फ अपलाइन होने और एक अच्छी सफल अपलाइन होने दोनों में कुछ फर्क महसूस करें। कामधारी और नामधारी अपलाइन के फर्क को समझें। याद रखिए, अपलाइन के रूप में आपको प्रमोटर एंड मेंटर, प्रवर्तक और सुधारक की तरह कार्य करना है। यह करते हुए आप लोगों के मित्र बने, तानाशाह की तरह व्यवहार न करें, सच्चाई से काम करें। आज नहीं तो कल छुपी हुई बातें सामने आती ही है, तब डाउनलाइन का सामना करना मुश्किल होता है।
झूठ से बचे। एडिफिकेशन, एडिफिकेशन यानी सम्मान, इस व्यवसाय का अभिन्न अंग है। ध्यान रखें, इस व्यवसाय में आपका एडिफिकेशन किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जैसे ही उद्देश्य प्राप्त हो जाए, अपलाइन को तुरंत सामान्य आदमी की तरह व्यवहार करना चाहिए, न ही अहम पैदा करे, न ही अपने आप को हीरो या विद्वान समझने लगे। रॉबर्ट आकांसा, जो एक बहुत बड़े लीडर है, कहते हैं, एडिफिकेशन एक विशिष्ट कारण से किया जाता है, और जैसे ही ये कारण समाप्त होता है, आपको फिर से एक साधारण व्यक्ति की तरह व्यवहार करना चाहिए, बजाय किसी सुपर हीरो के समान। अपलाइन को यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसकी डाउनलाइन उनका लगातार निरीक्षण करते रहते हैं, और वे देखते हैं कि आप क्या करते हैं, बजाय आपके कि आप क्या कहते हैं। आपके डाउनलाइन के प्रति सही नज़रिया तथा सही सलाह आपको एक साधारण से महान अपलाइन बना सकता है। अपलाइन अपलाइन है, उसे अपलाइन ही रहने दे, इसे भगवान न बनाए। सच्चाई सामने आने पर दुख होता है, दुख से बचे। साप्ताहिक प्लान प्रेजेंटेशन के लिए मार्गदर्शन। कार्यक्रम स्वरूप, कुल समय लगभग 1 घंटा। कार्यक्रम का शुरुआती विवरण, भूमिका, स्पीकर का परिचय और स्टेज पर बुलाना 3 मिनट। प्रेजेंटेशन दिखाना 45 मिनट। रिकॉग्निशन टेस्टिमनी 10 मिनट। समापन उपस्थित सीनियर लीडर के द्वारा 5 मिनट। स्पेशल अनाउंसमेंट 3 मिनट। राउंड द टेबल फॉलोअप, जब तक आपका मेहमान रुकना चाहे। क्या करें, कार्यक्रम स्थल पर व्यवस्था 1.5 घंटा पहले, सक्सेस फॉरएवर टूल्स की बिक्री 1 घंटा पहले, प्रोजेक्टर माइक व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन में लगने वाली सामग्री 1 घंटा पहले, गेस्ट स्पीकर अथवा सीनियर लीडर के बैठने की व्यवस्था, शुरू की प्रथम पंक्ति में स्पीकर को सबसे शुरू में आगे की पंक्ति में बैठाएं, जहां से सभी लोग उन्हें स्पष्ट रूप से देख सके। कंपनी और प्रणाली का हमेशा सम्मान करें। क्या न करें, तेज संगीत बजाना, स्पीकर का पिन लेवल रिकॉग्निशन लेवल को गलत या बड़ा चढ़ाकर बताना, राष्ट्रगत शुरू में या अंत में नहीं करना है। किसी व्यक्ति का धार्मिक संगठन या धर्म के बारे में बयानबाजी, अवैध टूल्स की बिक्री या गलत उद्घोषणा या सूचना प्रसारित करना, उपस्थिति में अखंडता। वीकली प्रेजेंटेशन में सिर्फ यही लोग उपस्थित हो जिन्हें पहले से ज्वाइन किए हुए लोगों ने बुलाया हो, किसी के आमंत्रण पर। एक नेक और सफल इंसान बनना हमारी मंजिल है। सपने पूरे करना तथा बड़ा संगठन बनाने की प्रक्रिया हमारी राह है। परिस्थितियों से विचार बनते हैं, विचारों से क्रिया होती है, क्रिया से परिणाम आते हैं, और परिणामों से संस्कार बनते हैं, तथा संस्कारों के दम पर चलती है दुनिया। जैसे दुनिया को सुचारू रूप से चलने का रहस्य है अच्छे संस्कार, नैतिक मूल्य और सही चरित्र, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में भी बड़ा संगठन बनाने के लिए कुछ रहस्य और संस्कार जरूरी है, जो इस पुस्तक में लिखे हैं। बड़ा बनना है तो पहले अपने दिल को बड़ा करें। यहाँ पे ये कथा समाप्त होती है। आपने इसे पूरा सुना, इसलिए आपका बहुत 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 थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर ये ऑडियो सीरीज़ आपको अच्छी लगती है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने सभी टीम लीडर्स में शेयर कीजिए। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ। आपका दिन शुभ हो। इस चैनल पर मैं ऐसे ही दुनिया भर की बेहतरीन ऑडियो बुक्स और बुक समरी लाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ। आपका दिन शुभ हो।